देश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल सहित देश के उत्तरी राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं से 56 लोगों की मौत हो गई। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हिमाचल सीएम ने लोगों से अगले 24 घंटे घर में रहने को कहा है। प्रदेश में कई नदी और नहरें खतरे के निशान से ऊपर है। दो जगह बादल फट गए। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं कुल्लू के कसोल में 6 गाड़ियां पानी में बह गई। पंजाब में सतलुज दरिया के पास बने 15 से 20 गांव खाली करा दिए गए। वहीं लेह लद्दाख में भारी बारिश के चलते 450 साल पुराना घर गिर गया। हिमाचल में 46 घर जमींदोज हो गए। देश की कुल बारिश अब सामान्य से ज्यादा हो गई है। 9 जुलाई तक सामान्य बारिश 239 मिलीमीटर होनी थी और यह आंकड़ा इसे पार करते हुए 243 मिलीमीटर हो गया है, जो 2% ज्यादा है। दिल्ली में बारिश का 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। गुरुग्राम में सड़कें नदियां बन गई हैं। यमुना में बढ़ते जल स्तर को लेकर चेतावनी जारी की गई और ये खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। और इस दौरान हिमाचल में बीजेपी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और राहत मांग सकते हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर से रोक दिया गया है। पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश और ये आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली में सड़कें दरिया, हिमाचल प्रदेश में सड़कें नदियां बन गई, उत्तराखंड में नदियां इतनी उफान पर आई कि सड़कों को साथ बहा कर ले गई। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही नजर आया, जहां सड़कें बारिश की आगोश में समाती नजर आई और लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते रुकते नजर आए। गोवा में अब सड़कें ही बीच की तरह बन गई हैं, जहां देखेंगे वहां पानी ही पानी नजर आएगा। और गोवा में बीच पर जाने की जरूरत नहीं, आप घर के बाहर निकलेंगे आपको बीच नजर आ जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम की भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। साइबर सिटी के अंदर साइबर के साथ एक सायरन भी है। सायरन है कि पानी बाहर है, आप घर के अंदर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। पंजाब जहां 5 नदियों का संगम होता है, जरा सोचिए जब सारी नदियां उफान पर आएंगी तो फिर घर घर तक पानी पहुंच जाएगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी और जो घर से बाहर आया वो पानी के आगोश में फंसा हुआ दिखाई दिया। कुछ जगहों पर और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में रेस्क्यू टीम बाढ़ के बीच में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते हुए 4 तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें हैं, जहां नदियों ने अपना दायरा इतना बढ़ा लिया कि दायरे में जो भी आया वो नदी में समाता चला गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां सड़क पार करने के लिए बस सड़क पर चली जरूर, लेकिन वो अचानक से पानी के तेज बहाव में फंस गई और उसके बाद लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जद्दोजहद करते लोग नजर आए। नर्मदा नदी में भी रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश की तस्वीर है और अजमेर राजस्थान। ये तस्वीर वैसे तो राजस्थान को सुकून पहुंचाती है, क्योंकि फाय सागर झेल के ऊपर पाल चल गई है, चादर चल गई है और ये अपने आप में एक मनोरम दृश्य है, क्योंकि ना जाने कितनी ऐसी झीलें होंगी, कितने ऐसे बांध होंगे जिनकी भरने का राजस्थान हमेशा इंतजार करता है। लेकिन मानो इस बार मानसून नहीं, इंद्रदेव ही मेहरबान हो गए। साल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने रिमझिम बरसात ऐसी शुरू की कि कभी पश्चिमी विक्षोभ आया, कभी अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, कभी विपरजॉय आ गया, तो कभी प्री मानसून और अब मानसून जिस तरीके से राजस्थान में मेहरबानी कर रहा है, मानो कई सालों का पानी बरसा दिया। अब ये 3 तस्वीरें आपको और दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें तबाही की तस्वीरें, क्योंकि मोहाली में किस तरीके से मकान धराशाही हो गया, ये तस्वीरें। और इस मकान को धराशाही होने में महज 3 सेकंड लगे थे। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप पलक झपकर वापस देखना शुरू करेंगे, तब तक मकान जमीन में मिलेगा। अहमदाबाद के अंदर की तस्वीर देखिए, किस तरीके से 3 मकान धराशाही हो गए और उसके बाद राहत की टीम, रेस्क्यू की टीम स्थिति को संभालने की कोशिश करती हुई नजर आई। और जो तस्वीर मनाली की है,
वो तो कुछ इस तरीके की तस्वीर है जहां मकान को ही बोट बना दिया गया, पूरा का पूरा मकान ही बह गया। हालांकि हर बार इस तरीके की तस्वीरें आती हैं क्योंकि नदी के कैचमेंट एरिया के अंदर जो मकान बना दिए गए, जो किनारे पर बना दिए गए, नदी कब अपना किनारा बढ़ा ले और बढ़ते हुए किनारे के बीच में किनारे पर बसे हुए मकानों को इस तरीके से खुद में समा ले, ये कोई नहीं जानता।